इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स के सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, इनके स्पेक्ट्रम की फाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, और इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर सिग्नल की स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, चैप्टर 6 इलेक्ट्रॉनिक और यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई इस टॉपिक को हमने इसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले बताओ हमारे पास क्या है, सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। फिर आपने क्या पढ़ना है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। फिर आपने क्या पढ़ना है, ज़ीमन इफेक्ट। फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, स्टार्क इफेक्ट। और लास्ट में आपने बताओ क्या पढ़ना है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं बोलो भाई, सिलेक्शन रूल्स फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो भाई अब हमने भाई क्या शुरू करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब देखो इसका नाम भाई क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेज, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस कैरी आउट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कहाँ लाई करती है, यूवी विजिबल में। बात आपको पहले पढ़ी तो इसलिए याद रखियो भाई, ये मत कहियो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा दी ना पढ़ाई और क्या पढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ही होती है, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ कि भाई इसमें सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एटम्स का रिकॉर्ड। क्या भाई एटम्स के बाद हायर एंटिटी कौन से होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। फिर तो हम क्या पढ़ेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन भाई पहले तो सिंगल एटम स्पीशीज आप भाई कंसिडर करो, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डाई एटम स्पीशीज इनके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स का स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब एटम के अंदर खास बात क्या होती है बताओ भाई, एटम के अंदर खास बात क्या होती है बोलो भाई, आप बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बताओ भाई, क्या 3 होते होंगे, ट्रांसलेशनल कितने होते हैं 3, रोटेशनल क्या होते हैं लीनियर में, अरे भाई पहले बताओ भाई क्या होते हैं, रोटेशनल क्या होते हैं 3, नॉन लीनियर में, और वाइब्रेशनल अरे भाई 3n-5 या 3-6। अब बताओ भाई ओ अगर हमारे पास एटम ही एक है, हमारे पास एक एटम है, तो उस एक एटम में टोटल डिग्री फ्रीडम कितने बताओ, 3 होगा, तीनों ही क्या होते हैं ट्रांसलेशनल, मतलब यहाँ पर रोटेशनल कोई भी नहीं होता भाई, ना ही क्या होता वाइब्रेशनल, समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे, एटम के पास सब क्या होते हैं 3 डिग्री फ्रीडम, इजंट इट। इसलिए भैया आप एटम्स का क्या नहीं पढ़ सकते बताओ, इसीलिए आप एटम्स का क्या नहीं पढ़ते कभी भी, रोटेशनल या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल का क्या होता है, वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बताओ, अकेला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। बताओ आपको पहले पढ़ी एटम्स की, पहली बात तो ये है। दूसरी बात भाई, क्योंकि वाइब्रेशनल लेवल है ही नहीं और ना ही रोटेशनल लेवल है, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स क्या होंगे यहाँ पर, ज़्यादा क्या होंगे, शार्पली डिफाइंड। तो यहाँ पर पीक्स भी क्या आएंगी, शार्प आएंगे इन कंपेरिजन टू, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल से कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट्स। लेकिन यहाँ बताओ सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। मैं समझा रहा हूँ यहाँ की बात, भाई यहाँ भी और कोई फैक्टर होते हैं ठीक है, लेकिन वो तो वहाँ भी होते हैं, अरे जैसे LS कपलिंग वगैरह हो गए, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। लेकिन ये अच्छी बात हो भाई यहाँ पर, कि यहाँ पर रोटेशन, तो यहाँ पर पीक्स क्या आती हैं, ध्यान रखियो आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स में आमतौर पे क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, ब्रॉड पीक्स होती हैं। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, हमेशा शार्प पीक्स। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स में जनरली क्या होते हैं भाई, शार्प पीक्स होते हैं। ओके ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ भाई यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स क्या है, पहले बताओ
फ्री एटम्स के भाई सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे बताओ, हम क्या बोलेंगे? तो डेल्टा एन, पहला सिलेक्शन रूल क्या भाई? डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग, यहाँ भाई डेल्टा एन कुछ भी हो सकता है मतलब। और आपने यहाँ पर कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना बताओ भाई, मॉडल आपने यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है बात। तो आपको पता है किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को, किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन हमारे पास कैसे आते हैं? फाई एन एल एम से आते हैं भाई। मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है इसका बेसिस भाई, मैंने आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बेसिक्स सारा कहाँ पढ़ा रखा बताओ? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आपको पता भाई कि भाई एन एल एम किसी इलेक्ट्रॉनिक वेव, किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के साथ हमारे पास किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास? साई एन एल एम, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है? जीरो से, सॉरी एन की वैल्यू क्या होती है? वन टू थ्री फोर फाइव एंड सोन। एल की वैल्यू क्या होती है? एन माइनस वन से ज़ीरो। और एल की एम की वैल्यू क्या होती है? माइनस एल टू प्लस एल, है ना? बोलो भाई, तो एन बताओ कितना चेंज होएगा। तो मान लिया किसी एटम में इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या है, मान लिया हमारे पास कोई वन इलेक्ट्रॉन एटम है, क्या हमारे पास क्या कोई वन इलेक्ट्रॉन एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही है, इजंट इट? चाहे हमारे पास को भाई, चाहे हमारे पास क्या हो, कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कोई फर्क नहीं, इससे भी नहीं पड़ता भाई, बताओ क्या होगा? तो डेल्टा एन कैन बी एनीथिंग, ओके। और डेल्टा एल क्या होता है? डेल्टा एल भैया, डेल्टा एन का मतलब क्या है? कि पहली में इन शेल्स इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में कहीं जाए भाई, कोई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है बात। लेकिन डेल्टा एल क्या होना चाहिए बताओ एटम्स में? प्लस माइनस वन, क्या होना चाहिए? अकेला प्लस माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि अगर वन ऐसे जाता है तो पहली मेन शेल से दूसरी मेन शेल में जाना क्या है? अलाउड है ना? अरे बोलो भाई, अब पहली मेन शेल किन ऑर्बिटल से मिलकर बनती है? 1s से। दूसरी मेन शेल किससे मिलकर बनती है? 2s, 2px, 2py और 2pz से भाई, नहीं बता आपको पहले पढ़ी। तो पहली मेन शेल से दूसरी मेन शेल में जाना अलाउड है, लेकिन भाई डेल्टा क्या होना चाहिए? एक बदलना चाहिए, यानी कि अगर पहली मेन शेल के 1s ऑर्बिटल से कहाँ जाता है दूसरी मेन शेल के 2s में, तो फॉरबिडन हुई, क्योंकि 1s का भी एल कितना है? जीरो। और 2s का एल भी कितना है? जीरो। हाँ, 2s, 1s से 2p में जाना क्या है? अलाउड। 1s से 2p में जाना क्या भाई? अलाउड। तो हम क्या बोलेंगे इसका मतलब? तो क्या हुआ कि s ऑर्बिटल से s, p से p, d से d और f से f सब क्या है? फॉरबिडन। यानी भाई ss, pp, dd, ff, ये बताओ चारों की चारों ट्रांजिशन क्या हुई? फॉरबिडन है एटम के अंदर, नहीं बताओ कपले पड़े। यानी f सब शेल से, f ऑर्बिटल से f ऑर्बिटल में जाना पॉसिबल नहीं, p से p में जाना पॉसिबल नहीं है, f से f में, d से d में, s से s में, नहीं आगे आपको? कौन सा अलाउड बताओ भाई? तो ये क्या है? फॉरबिडन। सिर्फ कौन सा अलाउड है? अच्छा ये फॉरबिडन है, और कौन सी बताओ भाई अलाउड कौन सी होगी हमारे पास? s से p, p से s और d, s से तो सिर्फ कहाँ बताओ भाई? p, p से कहाँ पर? अरे भाई डेल्टा प्लस माइनस वन है, एक स्टेप नीचे, वन से जीरो या वन से टू, इजंट इट? और बताओ, और d से p और f में जाना क्या है? अलाउड है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या? यानी भाई आप असो, तो s से d भी क्या है? तो भाई s से d भी बताओ क्या होगा? फॉरबिडन होएगा ना, इजंट इट? तो s एस फॉरबिडन, p फॉरबिडन, d d फॉरबिडन, f फॉरबिडन, s p अलाउड, p s, सॉरी p से s, p से d, और d से एक स्टेप नीचे कौन होता है? p, और एक स्टेप ऊपर कौन होता है? f। तो d से p, d से f अलाउड, मैं तो आपको पहले पढ़ गया भैया, और याद रखियो, आप ध्यान रखियो, ये वन इलेक्ट्रॉन एटम्स होते क्या हमारे पास? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, सब के लिए क्या ये अलाउड है? सॉरी सब के लिए क्या है? सिलेक्शन लिए सेम है, नहीं आएगा आपको? अब बताओ भाई, और अब मैं बोलूं कि भाई अब इलेक्ट्रॉन एक ही है तब तो स्पिन चेंज ही नहीं होगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ही नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन को तो भाई, ये बताओ किस पे लागू होते हैं? ये रूल लागू होता है वन इलेक्ट्रॉन एटम से भी, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम दोनों लागू होती है, समझिए बात। लेकिन अगर हम बताओ, बताओ क्या बोले बताओ भाई,
अब हम बात करें स्पिन, किसकी स्पिन की, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक है सिस्टम में भाई, तो उसको आप पेयर कर नहीं सकते भाई, तो उसकी तो स्पिन रहनी ही क्या है सेम, तो इनिशियल स्टेट की और फाइनल स्टेट की स्पिन रहनी ही क्या भाई, सेम है ना, तब तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं। अरे बोलो भाई, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या भाई उनकी स्पिन मोशन क्या बनाएंगे हमारे पास भाई? अरे भाई, तो हमारे पास क्या है कि नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है हमारे पास भाई, तब वो तो कहना चाहिए। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं तब डेल्टा एस क्या, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की इनिशियल स्पिन और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की फाइनल स्पिन में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है ट्रिपलेट स्टेट में, क्या है वो, कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन क्लाउड वन स्पिन के साथ है, तो वो भाई इलेक्ट्रॉनिकली क्या एक्साइट होगा, लेकिन वो वन स्पिन में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद उसके स्पिन स्टेट में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पिन अलाउंस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं लेपोर्ट अलाउंस। क्या बोलते हैं? स्पिन अलाउंस। नहीं है क्या आपको? फिर आपको कहोगे भाई जे भी तो पॉसिबल है क्या भाई? आपको कहोगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में भी और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी जे भी तो होता है, नहीं होता क्या? बताओ कैसे? अगर एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ भैया हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन मान लिया पी सबशेल में, कहाँ पर है पी सबशेल में, तो एस कितना हमारे पास, हाफ, एल कितना हमारे पास इसका, वन, तो जे हमारे पास दो नहीं आगे कौन से? अरे बोलो भाई, एल प्लस हाफ तो थ्री बाई टू एंड वन बाई टू, नहीं होता आपको पहले पड़ी? तो हमको पता भाई एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, भैया ध्यान रखियो, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चाहे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या पॉसिबिलिटी होती है जे टोटल मोशन की, टोटल मोशन की है ना, तो स्पिन मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर क्या है एल, टोटल मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर क्या है, सॉरी स्पिन मोशन को बताने क्या है एस, टोटल स्पिन मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर क्या है कैपिटल एस, टोटल ऑर्बिटल मोशन को बताने वाला क्या है कैपिटल एल। अच्छा एक बात और, बच्चे क्या सोचते हैं कि स्मॉल एल प्लस माइनस ना, तो सोचते हैं कैपिटल एल क्या होना चाहिए मल्टी टू ना, ध्यान रखियो भाई स्मॉल एल क्या होना चाहिए प्लस माइनस वन। अब बच्चे सोचते हैं भाई कि जैसे टोटल मोशन में कोई, टोटल स्पिन मोशन में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, तो भी क्या होगा अलाउड, तो क्या सोचते हैं टोटल ऑर्बिटल मोशन में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई, टोटल ऑर्बिटल मोशन, टोटल स्पिन मोशन में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, टोटल ऑर्बिटल मोशन में चेंजमेंट आ सकता है, यानी डेल्टा एल के प्लस माइनस वन होना जरूरी नहीं होता भाई, नहीं आएगा आपको ये स्मॉल डेल्टा एल ना कैपिटल डेल्टा एल। बच्चे क्या सोचते हैं भाई कि डेल्टा एन तो ठीक है भाई एनीथिंग, वो क्या बोलते हैं डेल्टा एस क्या है जीरो, और डेल्टा एल भी क्या होना कैपिटल एल जीरो, नहीं स्मॉल डेल्टा एल और कैपिटल डेल्टा एस, यानी इंडिविजुअल तो ऑर्बिटल मोशन बदलनी चाहिए, इंडिविजुअल तो ऑर्बिटल मोशन बदलनी चाहिए विद वन स्टेप एस से पी में या पी से डी में, और रिजल्टेंट स्पिन मोशन बदलनी चाहिए, सॉरी रिजल्टेंट स्पिन मोशन ना बदलनी चाहिए, बताओ आपको पहले पड़ी, और भाई रिजल्टेंट टोटल मोशन भैया आपको पता है हमने आपको पढ़ा रखा भाई, मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में हमने आपको क्या पढ़ाया था बताओ भाई, कि एल और एस की कपलिंग से तो क्या बनता है जे, भाई एल एस की कपलिंग से क्या बनता हमारे पास जे क्वांटम नंबर है ना, तो बताओ यहाँ पर भाई डेल्टा जे क्या होना चाहिए हमारे पास, डेल्टा जे जीरो प्लस माइनस वन, तो भाई ये सिलेक्शन रूल है डेल्टा एन एनीथिंग, डेल्टा स्मॉल एल प्लस माइनस वन, डेल्टा कैपिटल एस जीरो, डेल्टा जे प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस वन, ये बताओ क्या सिलेक्शन रूल किसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा के, नहीं आना आपको? अरे बोलो भाई, अब इन सिलेक्शन रूल से ना, इन सिलेक्शन रूल से आप एक बारी कॉरस्पॉन्डिंग आप अपने में नहीं है, क्या डेल्टा जी ये रोटेशन कहाँ से है बेटा, ये एटम है तो ना, ना ये आपका सिंपल वाला वो है, अरे जो कैपिटल जी होता है, अरे भाई लोअर जे वैल्यू
और लेस देन ऑफ फील्ड क्या होगा, लोअर जे, और मोर देन ऑफ फील्ड क्या होगा, हायर जे, क्या लिखेगा, स्टेबिलिटी। हमने आपको पढ़ा था स्पेस, अरे ओन्स रूल नहीं पढ़ा मैंने आपको, तो ये वो वाला जे है जहाँ पर एटम, ये एटम वाला जे है। ऐसे तो कन्फ्यूजन होता कोई क्रिएट, आप सोचते हो रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या था, जे भाई वो जे क्या था, मोलिक्यूल की रोटेशनल स्टेट्स के लिए था। ये जे क्या है, इलेक्ट्रॉन की टोटल मोशन के लिए। ये एल और एस की कपलिंग से आया है, अगर एल कितने किसी में कितना मान लिया, दो, एस कितना मान लिया किसी में, दो, तो जे क्या आएगा हमारे पास, दो प्लस दो से लेके दो माइनस दो, क्या आएगा, चार, तीन, दो, एक और जीरो आ जाएगा। नहीं आपको, तो भाई एक बार काम करो, अभी से नहीं, एक बार आप साइलेंस भाई, एक बार आप इन सिलेक्शन रूल्स को इस्तेमाल करके, इन सिलेक्शन रूल्स को इस्तेमाल करके, और आप ट्रांजिशंस भाई करो प्रिडिक्ट, ठीक है बात, बोलो भाई। अच्छा पहले मैं बात करूँगा, अभी मैं फाइन स्ट्रक्चर की बात नहीं करूँगा, ठीक है बात भाई, मैं सिर्फ दो ही सिलेक्शन रूल्स इस्तेमाल करूँगा, बताओ कौन से, डेल्टा एन एनीथिंग एंड डेल्टा एल ज़ीरो, डेल्टा एनीथिंग, सॉरी डेल्टा एल प्लस माइनस वन भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर मैं ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊँ, क्या भाई, अगर मैं ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊँ, नहीं पहले अपने तो मैं कहूँ हमारे पास इनिशियल, अरे भाई हमारे पास कोई वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हमारे पास क्या है, कोई वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मान लिया, वन एस वन है, क्या वन एस वन, तो ये वन एस वन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा क्या, स्टेबल होगा, ये वन एस वन कॉन्फ़िगरेशन भाई स्टेबल होगा क्या, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा ना। अब मैंने ये कहाँ प्रमोट कर दिया, अब मैं ये कहूँ इसको मुझे भाई, क्या मैं इसको वन एस से, ये वन एस का है पहले में छल का ना भाई, तो इसको मैं टू एस टू पी टू पी टू एस टू पी एक्स टू पी बाई टू पी जेड, इसको कहाँ लेके जा सकता हूँ भाई, बताओ, अगर मुझे इसके इसको भी मुझे भाई प्रमोट करना है, मुझे इसको पहली मेन शेल से दूसरी मेन शेल में प्रमोट करना है, तो ये कहाँ जाएगा, डेल्टा एल प्लस वन भाई पी में, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताओ क्या बन गया हमारे पास, ये वन एस ज़ीरो टू एस ज़ीरो टू पी वन हो गया भाई, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, वन एस ज़ीरो टू पी वन, मैंने इसको वन एस ज़ीरो टू एस वन को नहीं कर दिया भाई, क्यों, क्या होता वो, देखो एन तो क्या हो गया हमारे पास, एन तो हमारे पास क्या होगा भाई, एक एन तो क्या होगा हमारे पास, एक चेंज, हम वन से कहाँ चले गए टू में, एन वन से एन टू में चले गए भाई, तो ये तुम कितना हो, लेकिन और एल बताओ क्या हमारे पास, एल भी क्या हो, एक चेंज, ऐसे कहाँ पर गए भाई पी में, यानी अगर मैं, यानी अगर मैं ऑर्बिटल्स, अगर मैं भाई सब शेल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊँ, अगर मैं सब शेल्स का क्या बनाऊँ एनर्जी लेवल डायग्राम, तो यहाँ कौन होता बताओ भाई, वन एस यहाँ कौन होता है, टू एस और टू पी, टू एस और यहाँ कौन होता बताओ भाई, अरे बोलो भाई यहाँ कौन होगा, एक दो तीन, ये कौन है, थ्री एस थ्री पी और थ्री डी, ये तो कौन है, एक दो तीन, ये कौन है, फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एफ, तो यहाँ से कहाँ जाना अलाउड, सिर्फ बोलो वन एस से कहाँ जाना अलाउड है, 2p में और 3p में और भाई बताओ भाई 4p में, नहीं आ गया आपको भाई, 1s से बताओ सिर्फ कहाँ जाना अलाउड है, अरे बताओ भाई, भाई 1s से बताओ सिर्फ कहाँ जाना अलाउड है, कितने, बताओ वन एस से बताओ कहाँ जाना अलाउड है, हम क्या बोलेंगे, भाई टू पी थ्री पी और फोर पी, अब बताओ टू पी से कहाँ जाना अलाउड है, थ्री डी में और फोर डी में, सॉरी अरे अरे भाई टू पी से, हाँ थ्री डी में और हाँ फोर डी में, और थ्री डी से तो थ्री डी से भाई फोर एफ में, नहीं आएगा आपको भाई 3D से कहाँ जाना अलाउड है, अरे 2P से तो 2P से एक तो D में और एक कहाँ तो भाई S में, कहाँ पर, अरे 1S से कहाँ जाना अलाउड, 1S से 2P में, 2P से
भाई वन एस से कहाँ अलाउड है, टू पी में भी, थ्री पी में भी और फोर पी में भी, क्योंकि एन तो कितना है बदलो भाई, लेकिन एल क्या हो रहा है बताओ, एक चेंज इजंट इट। अब बताओ टू पी से कहाँ जाना अलाउड है, ऊपर कहीं जाओ भाई, नहीं बताओ पहले नीचे कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल क्या बदलना चाहिए, एक। तो टू पी से, टू पी से थ्री डी या थ्री एस, या भाई फोर डी या फोर एस, या फाइव डी या फाइव एस, सिमिलर तो अब बताओ थ्री डी से, थ्री डी से एफ और पी में, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई नहीं आना आपको समझ में, तो भाई इसको बताओ हम क्या बोलते हैं, तुम आप तो हम क्या बोलेंगे कि बताओ अगर मान लीजिए बताओ कहाँ से कहाँ पर जाए, अगर हम ये बोले कि बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन भाई कहाँ से कहाँ पर चला गया बताओ, इसने वन एस से क्या बना लिया कॉन्फ़िगरेशन, वन एस जीरो टू एस जीरो टू पी वन, तो कितनी ट्रांजिशन आनी चाहिए बताओ भाई, अरे बोलो भाई हमारे पास भाई कितनी ट्रांजिशन हमको मिलनी चाहिए, एक, क्यों, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा हमारे पास, अरे अब आप बनाओ इसकी भाई ओवरऑल एनर्जी बताओ क्या बने हमारे पास, तो वन एस वन की, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, वन एस वन और वन एस जीरो टू एस जीरो टू पी वन, ये बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, वन एस जीरो टू एस जीरो एंड टू पी वन, बताओ ना कोई, अरे भाई आपने पढ़ा था लाइमन सीरीज, बाल्मर पास्ट इन ब्रैकेट और पी फंड सीरीज, वो बताओ क्या होंगे हमारे पास, लाइमन बाल्मर पास्ट इन ब्रैकेट पी फंड सीरीज, बताओ क्या होती है हमारे पास, बताओ हाइड्रोजन एटम क्या होंगी, अगर भाई कहाँ से कहाँ पर जाएं, एन वन से कहाँ जाएं एन टू, एन वन से कहाँ पर जाएं भाई, अरे ये माने क्या है एन वन, ये कौन सा है एन टू, ये कौन सा है एन थ्री एन फोर एन फाइव, ये कौन हमारे पास, ये क्या है एन इनफाइनाइट, नहीं आएगा आपको, तो टू सेवन थ्री सेवन फोर सेवन फाइव सेवन सिक्स सेवन सेवन, ये क्या है लाइमन सीरीज, थ्री से टू फोर से टू फाइव से टू सिक्स से टू, ये क्या है बाल्मर पास्टन, क्या होंगी थ्री में ऊपर से, नहीं आपको आया ये भाई एनर्जी, और आपको पता है एन वन में कौन होता है वन एस, एन टू में कौन होता है टू एस टू पी, एन थ्री में कौन होता है, तो आप भाई कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक कर लियो कि एन थ्री से एन टू या एन टू से एन थ्री जाते हुए ट्रांजिशन किन के बीच इम्पॉसिबल है, डेल्टा एल प्लस माइनस वन रखते हुए, नहीं आएगा आपको, तो आप ये बताओ भाई, तो ये जो ट्रांजिशन होती है एन टू से एन वन, तो आप ये बताओ लाइमंस हाइड्रोजन एटम के अंदर, आप मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम के अंदर लाइमन सीरीज की पहली ट्रांजिशन तो कैसे आती है, एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ भाई, बताओ कैसे आएगी, अरे भाई अब आपने ये बात जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, बोलो भाई अगर मैं यहाँ पर क्या बना हुआ एनर्जी लेवल डायग्राम, अरे भाई अब अगर हम यहाँ से क्या बना एनर्जी लेवल डायग्राम, आप एक काम करो, आप जब आप देखो अभी तक जो स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम वाला, उसको आप यहाँ पर बेटर तरीके से रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं समझे बात, आप ये बताओ कि हमारे पास, मैं ये कहूँ हमारे पास भाई हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास क्या हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में कितने एनर्जी लेवल होते हैं बताओ, बताओ कौन होगा भाई, अरे भाई आपको पता है एन वन में कौन है साई वन जीरो जीरो, भैया किसका है, इस लेवल में कौन कौन सी स्टेट हैं साई वन जीरो जीरो, इसमें कौन सी है साई टू जीरो जीरो साई टू वन जीरो साई टू वन प्लस वन साई टू माइनस वन, अरे भाई इसमें कौन कौन सी स्टेट है, लेवल और स्टेट में अंतर होता है, मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई लेवल और स्टेट में क्या होता है अंतर होता है, तो बताओ इस लेवल में कौन कौन सी स्टेट है, वन एस इसमें कौन सी है टू एस टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड, इसमें कौन सी है थ्री एस थ्री पी वाई थ्री पी एक्स थ्री पी जेड, अब डेल्टा एन क्या बोलता है प्लस माइनस एनीथिंग, तो बताओ भाई आपके अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग बताओ हमारे पास कितने, तो बोर मॉडल सॉरी नहीं बोर मॉडल नहीं, तो बताओ भाई तो जो सिंपल हाइड्रोजन एटम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी ट्रांजिशन होनी चाहिए, एन टू से एन वन हमारे पास कितनी ट्रांजिशन होनी चाहिए बताओ भाई, एक, इजंट इट, हमको भी क्या मिलना चाहिए सिर्फ एक बैंड नहीं मिलना चाहिए क्या, बोलो भाई, और यही कौन बोलता बोर थ्योरी, बोर थ्योरी क्या मानती है कि एन टू एनर्जी किसकी है एक ऑर्बिट की और एन वन क्या एक ऑर्बिट की, वेव मैकेनिकल मॉडल क्या मानता है कि एन टू एनर्जी किसकी, एन टू एनर्जी किसका है
बोलो भाई, साई टू जीरो जीरो, साई टू वन प्लस वन, साई टू माइनस वन और साई टू वन जीरो, इन चार स्टेट्स के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, एन टू। नहीं आगे आपको? तो भाई आप बताओ भाई, सिलेक्शन रूल्स क्या बोलेंगे, डेल्टा एन अगर मैं प्लस माइनस एनीथिंग है तो एन टू से एन वन आते हुए, एन टू से या एन वन से एन टू जाते हुए, तो एन वन में इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फिगरेशन क्या है, यहाँ बताओ कॉन्फिगरेशन क्या होगा, वन एस वन, और यहाँ बताओ फिर क्या हो जाएगा, एन टू एन वन एस वन, और यहाँ क्या बन जाएगा, वन एस जीरो, टू एस जीरो और टू पी वन होना है ना भाई। तो एन वन में कॉन्फिगरेशन क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एन वन में है तो कॉन्फिगरेशन क्या है, वन एस जीरो टू एस, सॉरी वन एस वन टू एस जीरो टू पी जीरो, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, एन टू में, इसका मतलब भाई कॉन्फिगरेशन क्या है, तो एन टू में पहुँचेगा, तो एन टू की किस स्टेट में पहुँचेगा, टू पी में, क्योंकि डेल्टा क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, वन एस जीरो टू एस जीरो टू पी वन। तो भाई वैसे हम क्या मानेंगे, सिर्फ एक ट्रांजिशन, हम क्या मानेंगे भाई, अब लाइमन सीरीज की हर लाइन क्या थी, एक डबलेट थी ना भाई, अब इसको आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि लाइमन सीरीज की हर लाइन एक डबलेट क्यों होती है, बहुत सिंपल है। तो जब आप एन टू से कहाँ पर आओगे, एन वन, तो एन वन का बताओ कॉन्फिगरेशन क्या है, वन एस वन, और ऐसा क्या बताए, तो आप बताओ वन एस वन में कितनी माइक्रोशीट होती हैं, वन, अरे भैया आप इनकी माइक्रोशीट निकालो, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल से, तो वन एस वन में कितनी माइक्रोशीट होती हैं, बोलो भाई कितनी, हम वन एस वन में क्या होती है हमारे पास, दो माइक्रोशीट, और जो किस टर्म से जाएंगी, जो किस टर्म सिंबल में जाएंगी बताओ भाई, वन एस, सॉरी जो कहाँ पर जाएंगे भाई, एस टू एस हाफ, इसका टर्म सिंबल क्या आएगा, टू एस हाफ। मैंने आपको भाई एटॉमिक टर्म सिंबल निकालने मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखे कहाँ पर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो वन एस वन की, तो जब तो वन एस वन में दो क्या माइक्रोस्टेट्स, और वो किस टर्म सिंबल में गई, टू एस हाफ में, ठीक है बात। तो यहाँ पर तो क्या है हमारे पास, एक सिंगल एनर्जी, ओके, टू एस हाफ, नहीं आएगा आपको? लेकिन भाई जब कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, वन एस जीरो टू एस जीरो टू पी वन, तो टू पी वन में कितनी आप, टू पी वन कॉन्फिगरेशन है तो तीन, पी में क्या होते हैं, तीनों ऑर्बिटल, तीन का डबल दो फैक्टोरियल बाई एक फैक्टोरियल, और भाई पांच फैक्टोरियल, क्या छः, तुमको पता भाई पी वन में क्या होती हैं, छः माइक्रोस्टेट, तो ये छः बताओ किस में बट जाएंगे, बताओ भाई, बोलो भाई, तो इसमें क्या छः माइक्रोस्टेट ना, तो किस टर्म सिंबल, पहले तो ये बताओ कौन सा हमारे पास, टू एस हाफ में गया ना, बोलो भाई, तो ये बताओ किस में, टू एस, टू एस में गया, तो बताओ वन पी का हम क्या निकालेंगे, तो टर्म सिंबल वन पी का, सॉरी पी वन कॉन्फिगरेशन का टर्म सिंबल क्या है हमारे पास, टू पी, क्या आएगा, ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी, टू पी आएगा टर्म सिंबल, तो टू पी आया, तो एल कितना इसके लिए, एक एस कितना इसके लिए, हाफ, बोलो भाई, तो ये क्या है, टू पी टर्म सिंबल, क्या है, टू पी, यानी कि जो आप ये कह रहे हो कि जो ट्रांजिशन कहाँ से हुई है, एन वन से एन टू, जो आप बोर मॉडल में क्या बोलते थे कि एन वन से एन टू क्या हुई ट्रांजिशन, वो वास्तव में क्या हुई है, वन एस वन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, टू पी वन में, डेल्टा एन प्लस वन करते हुए, डेल्टा एल प्लस वन करते हुए, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन यहाँ बताओ दिक्कत क्या है, बताओ, बोलो भाई ये क्या है, टू एस, ये क्या है, टू पी, तो जो ट्रांजिशन वो वास्तव में किन स्टेट्स के बीच में हुई है, टू एस और टू पी, टू एस और टू पी स्टेट्स के बीच में भाई। अब बताओ टू पी में कितनी माइक्रो स्टेट है, दो, और यहाँ कितने बताओ भाई, छः माइक्रो स्टेट, नहीं है क्या आपको? लेकिन आपको पता भाई एल एस कपलिंग क्या करती है, डिजेनरेसी रिमूव करती है ना, एल एस कपलिंग क्या करती है, डिजेनरेसी रिमूव करती है भाई। तो इस टू पी की डिजन, तो इसमें आप क्या करो, इसमें आप क्या करो, एल एस कपलिंग, तो टू एस में भाई स्पिन मोशन क्या है, टू एस टर्म सिंबल में स्पिन मोशन क्या है, हाफ, ऑर्बिटल मोशन क्या है, जीरो, तो जे भी यहां पर क्या रहेगा, हाफ रहेगा ना, तो ये एल एस कपलिंग के बाद ये टर्म क्या बन जाएगी, टू एस हाफ रहेगी, लेकिन ये टू पी, बोलो भाई टू पी में एल कितना होता है, टू पी टर्म में एल कितना है, वन, एस कितना है, हाफ, तो दो जे नहीं है क्या, दो जे, थ्री बाई टू और हाफ भाई, तो बताओ, तो भाई अगर हमारे पास दो जे आ गए, थ्री बाई टू एंड हाफ, बोलो भाई,
तो आप ये बताओ वोंट्स रूल के जरिए इनमें से लोअर एनर्जी वाला कौन सा होगा एल एस कपलिंग होने के बाद, टू एस हाफ की टू पी थ्री बाई टू, सॉरी टू पी हाफ की टू पी थ्री बाई टू, टू पी हाफ क्या होगा एनर्जी में लोअर होएगा, तो ये कौन आ गया टू पी हाफ, ये कौन सा आ गया ऊपर टू पी थ्री बाई टू, नहीं बताओ कपले पड़े। तो ये भाई ध्यान रखियो, यानी कि जो आप एन टू क्या बना रहे थे एनर्जी लेवल, एक सिंगल एनर्जी लेवल, वो एन टू वास्तव में क्या है दो एनर्जी लेवल भाई, एक तो कौन सा टू पी हाफ, एक टू पी थ्री बाई टू। अब एक तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ, एक कहाँ से कहाँ होगी यहाँ पर, तो क्या आ गया आपके पास में अपने आप ये डबलेट, नहीं आया क्या? अब समझे आप, अरे भाई अब आप ये बात समझे क्या कि क्यों लाइमन सीरीज की हर लाइन क्या होती है डबलेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर जाएगा एस ऑर्बिटल से पी में, इलेक्ट्रॉन भाई मेन शेल चेंज करते हुए एस ऑर्बिटल से कहाँ जाएगा पी ऑर्बिटल में, इजंट इट। अब पी सब शेल में उसके पास क्या जाएगी स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, तो दोनों मोशन कपलिंग से क्या बनेगा हमारे पास दो लेवल, एक तो कौन सा टू एस हाफ है, कौन सा टू पी थ्री बाई टू, लेकिन भाई वन एस में उसके पास सिर्फ क्या होती है स्पिन मोशन, तो वहां पर भाई कोई कपलिंग होगी ना, तो टू एस हाफ से तो क्या होगी टू पी थ्री बाई टू, क्या होगी टू पी थ्री बाई टू से टू एस हाफ से टू पी थ्री बाई टू, टू एस हाफ से टू पी वन बाई टू। कोई आपसे पूछ ले एल एस कपलिंग कितनी हुई है, तो आप क्या करोगे बताओ, तो इसमें से ये ट्रांजिशन, ये क्या एल एस कपलिंग हुई है, तो इस, तो भाई आप क्या करोगे इस सेकेंड ट्रांजिशन में से पहली ट्रांजिशन क्या कर दो माइनस। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ गया भाई कि इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, नहीं आया ना आपको, अरे बोलो भाई ना, नहीं आया। अभी आपने सिलेक्शन रूल्स पढ़े थे ना, तो मैं ये कहूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हमारे पास, मैं हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप कोई बैठो आप कोई भी सिस्टम ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे सोडियम कंसिडर करो, क्या सोडियम, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s1 भाई, क्या है भाई 1s2 2s2 2p6 3s1 होएगा कि नहीं होएगा भाई, तो बताओ इसके कितनी माइक्रोस्टेट है इसकी, तो अब पहले दो भाई आप इस कॉन्फ़िगरेशन की बताओ एनर्जी आप क्या मान लो, अरे भाई आप इस कॉन्फ़िगरेशन में बताओ कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं भाई 3s1, तो क्या हमारे पास दो भाई 1s2 में जीरो, अरे सॉरी 1s2 की एक 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 और लास्ट में दो, तो एक इंटू एक इंटू एक इंटू दो, अरे भाई सिर्फ ओपन शेल का आप क्या देख लो माइक्रोस्टेट, तो माइक्रोस्टेट वाले फॉर्मूले से इसमें क्या है हमारे पास दो माइक्रोस्टेट आ गया ना आपको, तो ये दो माइक्रोस्टेट बताओ किस टर्म सिंबल में होती है, वन आवर टर्म सिंबल बिना एल एस कपलिंग के, वन आवर टर्म सिंबल बिना एल एस कपलिंग के, बताओ क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे टू एस, बस टू एस आ गया ना भाई टू एस, तुम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई इस कॉन्फ्यूजन क्या होती है दो माइक्रोस्टेट जो किसमें होती है टू एस टर्म सिंबल में, इजंट इट, अरे बोलो भाई, फिर आप एक काम करो इस इलेक्ट्रॉन का प्रमोट कर दो, तो कहाँ पहुँच जाएगा ये 1s2 2s2 p6 3s0 और 3p1 भाई, अगर ये सॉरी नहीं 3s1 भाई 3s से आप इसको प्रमोट करते हो तो कहाँ जाएगा ये 4p में, अरे बोलो भाई, चलो इसको आपने, अरे भाई 3p में कहाँ गई ये 3p में गया, 3p में क्या ये 3d में पहुँच सकता है क्या 3d में, भाई डेल्टा एल क्या हो जाएगा प्लस टू, तो कहाँ जाएगा सिर्फ ये 3p में, तो बताओ भाई p में जाते हो तो क्या हमारे पास ये, तो बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p सॉरी 3s0 3p1 में क्या है हमारे पास, हम क्या बोलेंगे 6 माइक्रोस्टेट, और जो किस टर्म्स में होगी बताओ 2p में, किस में होगी भाई, तो बोलो भाई, तो बिना ls कपलिंग के बताओ हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन से बनते हुए कितनी ट्रांजिशन आएगी सिर्फ एक, यानी टू एस स्टेट से हम कहाँ पहुँच जाए टू पी स्टेट, ठीक है, लेकिन अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाए एल एस कपलिंग, तो एल एस कपलिंग से तो भाई टू एस में एल कितना है जीरो, एस कितना है हाफ, तो एल जब है ही नहीं तो यहाँ पर क्या रहेगा बताओ हमारे पास, तो ये तो भाई टू एस हाफ ही रहेगा, लेकिन ये बताओ क्या है इसमें टू पी में एल क्या है, ये एक एल एक है और एस हाफ है, तो जे क्या होंगे थ्री बाई टू और
वन बाई टू, और क्या लेस देन ऑफ फील्ड क्या ये भाई, लेस देन ऑफ फील्ड ये, तो क्या लोअर जी क्या आएगा, तो नीचे नीचे कौन आएगा हमारे पास है? तो बोलो भाई, तो हमारे नीचे कौन आएगा हमारे पास, ये टू एस सॉरी टू पी हाफ एंड टू पी थ्री बाई टू, तो एक ट्रांजिशन ये होगी और एक ही होगी, तो वास्तव में जो ट्रांजिशन क्या थी भाई, एक सिंगल ट्रांजिशन होनी थी, वो क्या हमारे पास डबलेट, हमारे पास क्या बन गई भाई, एक डबलेट नहीं बनी क्या? तो बताओ भाई, तो स्पेक्ट्रा आना कैसे तुम्हारे पास, हम तो मानते थे कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये बनाएगा तो सिर्फ एक ट्रांजिशन आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रखता है, दो माइक्रोस्ट्रेट जो कि टू स्टम्प सिंबल में है, और ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया जा सकता है अच्छे तरीके से जो कि टू पी टर्म सिंबल में है, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो टू पी टर्म सिंबल क्या हुआ मेरे पास, तो बताओ, अरे भाई अब एल एस कपलिंग क्या करेगी, इन छह माइक्रो स्टेट्स की डिजनरेसी रिमूव कर देगी, बताओ टू पी हाफ यानी दो क्या होगी स्टेबल, जे से निकालो भाई टू जे प्लस वन, जे हाफ है तो दो क्या होगी स्टेबल, चार क्या होगी अनस्टेबल, टू पी हाफ क्या हो गया स्टेबल, टू पी थ्री बाई टू क्या हो गया, टू पी हाफ स्टेबल, टू पी थ्री बाई टू अनस्टेबल, और बताओ क्या हमारे पास, और टू एस क्या हमारे पास, हालांकि दोनों क्या होंगे अनस्टेबल, पता होगा ना आपको, अरे सिंपल स्टेबल बना रखा ये, टू एस क्या हो गया टू एस हाफ, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है डबलेट आएगा, हमारे पास भी क्या है कि डबलेट। अच्छा अब बताओ क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको आपको मालूम पड़ गया, तो क्या करते हैं बताओ भाई, अरे बोलो भैया, तो क्या करते हैं बताओ, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के, अरे भाई किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उनसे आप क्या बना लो, उसके टर्म सिंबल्स क्या बना लो भाई, और टर्म सिंबल्स क्या बना लो, एनर्जी लेवल डायग्राम, फिर क्या करो बताओ, डेल्टा एन एनी थिंग, डेल्टा एल प्लस माइनस वन, डेल्टा जे और डेल्टा जे जीरो सॉरी अरे डेल्टा एस जीरो रखते अब, अरे भैया क्या देखो टू और टू मल्टीप्लिसिटी क्या ये अलाउड, और ये बताओ ये टर्म सिंबल किससे बना है, एस ऑर्बिटल की फिलिंग से, और ये टर्म सिंबल किससे बने ही है, पी टर्म सिंबल पी ऑर्बिटल की फिलिंग से भाई, तो डेल्टा पी क्या हो गया, डेल्टा एल क्या हो गया प्लस वन, तो अलाउड नहीं आएगा आपको। अच्छा एक हमारे पास होता क्या होता है, जी मैनिफैक्ट क्या होता हमारे पास भाई, जी मैनिफैक्ट, ठीक है चलो खैर आप तो एक काम करते भाई, मान लिया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैं आपसे पूछूं भाई, वन एस भैया बताओ एस वन कॉन्फ़िगरेशन का क्या टर्म सिंबल होता है बताओ भाई, टू एस हाफ होता होगा और वन एस जीरो टू एस जीरो टू पी वन का क्या होता बताओ भाई, टू पी होता होगा ना, टू पी क्या होता भाई, टू पी तो हम क्या बोले टू एस और टू पी क्या इनके टर्म सिंबल, तो एक ट्रांजिशन आएगी नॉर्मली, तो बिना एल एस कपलिंग क्या आएगी एक ट्रांजिशन, ठीक है बात। अब बताओ फाइन स्ट्रक्चर कैसे आती है, तो एल एस कपलिंग इस टू पी लेवल को कैसे तोड़ देगी बताओ, टू पी हाफ एंड टू पी थ्री बाई टू, और ये क्या रहेगा हमारे पास टू एस हाफ, तो क्या ट्रांजिशन आएगी हमारे पास, क्या बन गया ये डबलेट, क्या बन गया हमारे पास ये, इसीलिए भाई लाइमन सीरीज की हरलाइन क्या होती है डबलेट, क्योंकि लाइमन सीरीज में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पहुँचता है, पी से कहाँ आता बताओ भाई, वन एस में कहाँ पर आता है, टू पी से वन एस में, थ्री पी से वन एस में, फोर पी से वन एस में, फाइव पी से वन एस में, सिक्स पी से वन एस में, तो सभी पी से आ रहा भाई, दूसरी मेन शैल के टू पी से कहाँ रहा है वन एस में, तीसरी मेन शैल के थ्री पी से कहाँ रहा है वन एस में, तो आपको पता है थ्री पी की फिलिंग से क्या बनेगा टू पी टर्म सिंबल, अरे भाई टू पी सब शैल हो, थ्री पी सब शैल हो, फोर पी सब शैल हो, फाइव पी सब शैल हो, सबसे क्या बनेगा टू पी टर्म सिंबल, और वन एस से क्या बनेगा हमारे पास टू एस टर्म सिंबल, तो भाई एल एस कपलिंग के बाद ये क्या हो जाएगा टू एस हाफ, ये क्या हो जाएगा टू पी थ्री बाई टू पी हाफ, तो एक ट्रांजिशन क्या बने दो, इसलिए लाइमन सीरीज की हरलाइन क्या होती है डबलेट, इसीलिए बाल्मर सीरीज की सभी लाइन क्या होती हैं मल्टीप्लेट्स, क्या होती हैं, नहीं आया क्या आपको भाई, आप इनको ऐसे आराम से मालूम कर सकते हो कि नहीं आया, अब आप मुझे बताओ भाई, अब अगर हम बताओ क्या अप्लाई कर दें,
इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या भाई हम भाई यहाँ पर क्या अप्लाई कर दें, मैग्नेटिक फील्ड, पहले क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट इसको बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको ज़ीमन इफेक्ट। तो क्या होगा, तो जे भी, तो ये जे कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे सेपरेट। अब जे यहाँ पर कितना है, तो भाई ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, तो ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने भाई हमने ध्यान से देखा, तो दूसरी सब शैल से अरे भाई दूसरे लेवल टू दूसरी मेन शैल से पहली मेन शैल लाइमन सीरीज की भाई एन टू से एन वन क्या आनी चाहिए थी हमारे पास, एक सिंगल लाइन, लेकिन नजर आया वो क्या एक डबलेट। और डबलेट क्यों था, क्योंकि एन वन में एक टर्म सिंबल होता है टू एस हाफ, एन टू में क्या होते हैं दो दो टर्म सिंबल टू पी हाफ और टू पी थ्री बाई टू, तो है ना डबलेट ये। अरे बोलो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ भाई अब हमने क्या लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप भाई देखो कितना आसान है, अगर मान लिया आपने एक चैम्बर में क्या क्या फिल कर रखी है, हाइड्रोजन, आपने एक चैम्बर में क्या फिल कर रखी है भाई, हाइड्रोजन फिल कर रखी है, उसको आपने इलेक्ट्रिकली एक्साइट कर दिया, तो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं बताओ भाई, एटम क्या हो रहे हैं डीऑक्साइड। अरे बोलो भाई, तो लाइमन सीरीज कैसे आएगी, टू सेवन थ्री सेवन फोर सेवन फाइव सेवन सिक्स सेवन सेवन सेवन, लेकिन जो ये चाहे वो कहीं से आए, वो पहले लेवल में कहीं से आए, सेकेंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स से, पहले लेवल में कौन बैठा वन एस, तो सेकेंड लेवल में कहाँ से आएगी ट्रांजिशन टू पी से, थर्ड लेवल में कहाँ से आएगी थ्री पी से, फोर्थ लेवल से कहाँ से आएगी लाइमन सीरीज फाइव फोर पी से फाइव पी से, नहीं मैं आपको बोले पड़ी क्या। अरे बोलो भाई, तो बताओ, तो पहले लेवल में क्या है वन एस कॉन्फिगरेशन भाई, और ऊपर वाले लेवल में कॉन्फिगरेशन में तो क्या हो हमारे पास, बोलो भाई वन एस जीरो टू एस टू पी हाफ होएगा ना, या क्या होगा थ्री पी थ्री पी वन, या फोर पी वन, क्या होगा फाइव पी वन, तो टर्म सिंबल क्या है हमारे पास टू पी आएगा, इजंट इट। तो एल एस कपलिंग से टूट जाएगा भाई, तो ये बताओ मेरे पास क्या जाएगी डबलेट, तो भाई नॉर्मली हमारे पास क्या आएगा बताओ, लाइमन सीरीज की हार मेरे पास क्या होगी डबलेट होगी ना। लेकिन आप एक काम करो, आप दो मैग्नेटिक प्लेट्स लेके आओ, और एक मैग्नेटिक प्लेट तो क्या करो नीचे लगा दो उसके भाई, और एक भाई ऊपर लगा दो, तो पता क्या होगा लाइमन सीरीज का डबलेट, पता क्या बन जाएगा बताओ भाई, मल्टीप्लेट। लाइमन सीरीज का डबलेट क्या बन जाएगा, लाइमन सीरीज जो लाइमन सीरीज की पहली लाइन जो क्या थी एक डबलेट, वो क्या बना लेगी एक, आपको ऐसे कैसे भाई, ये ऐसे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही ये जे करेगा एंटर भाई, और ये जे क्या हो जाएंगे सेपरेट, क्या हो जाएंगे भाई, तो जे की वैल्यू हाफ है यहाँ पर, तो जे के कितने कंपोनेंट्स हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हाफ सॉरी माइनस हाफ नीचे और प्लस हाफ ऊपर इलेक्ट्रॉन भाई, और ये क्या है टू पी हाफ है, तो टू पी हाफ में जे कितना, टू पी हाफ में हाफ है, तो ये बताओ, ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो टू पी हाफ का माइनस हाफ नीचे प्लस हाफ ऊपर, और टू पी थ्री बाई टू का, अरे बोलो भैया क्या है, माइनस थ्री बाई टू माइनस हाफ प्लस हाफ और प्लस थ्री बाई टू, यानी कि बिना एल एस कपलिंग के और बिना मैग्नेटिक फील्ड के वन एस वन कॉन्फिग्रेशन की छः माइक्रोस्ट्रिप क्या है सॉरी वन एस वन की दोनों माइक्रोस्ट्रिप्स क्या हैं डिजनरेट, और वन एस जीरो टू एस जीरो टू पी वन की छः माइक्रोस्ट्रिप क्या हैं डिजनरेट, नहीं आया क्या, तो इन दो माइक्रोस्ट्रिप से इनमें एक में एक कैर था पीक, ठीक है बात। लेकिन जैसे आपने क्या लगाया, जैसे आपने क्या क्या कंसिडर की एल एस कपलिंग, तो एल एस कपलिंग से बताओ क्या होगा 2s टर्म सिंबल क्या बन जाएगा 2s हाफ, लेकिन दो अब 2s हाफ में कितनी माइक्रोस्ट्रिप होती हैं दो, अरे हाफ है तो प्लस हाफ माइनस हाफ, लेकिन 2p टर्म सिंबल एल एस कपलिंग से टूट जाएगा 2p हाफ और 2p 3 बाई टू, अब 2p हाफ में क्या है दो माइक्रोस्ट्रिप और 2p 3 बाई टू में क्या है चार, तो छः में से दो क्या होगी स्टेबल चार क्या होगी अनस्टेबल, तो यहाँ से आप तो क्या बन गए कि डबलेट, नहीं आपको आया क्या, लेकिन आपने क्या लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो इस टू एस हाफ के जो दो क्या थे माइक्रोस्ट्रिप उनकी भी डिजनरेसी किसने रिमूव कर दी मैग्नेटिक फील्ड ने, नीचे कौन आ गया हमारे पास, नीचे कौन आ गया भाई माइनस हाफ, ऊपर कौन चला गया प्लस हाफ, सिमिलरली बताओ भाई यहाँ क्या क्या होगा हमारे पास, तो टू पी हाफ की भी डिजनरेसी किसने रिमूव कर दी माइनस हाफ नीचे प्लस हाफ ऊपर, फिर टू पी थ्री बाई टू के जे की
डीजेनरेसी बताओ भाई किसने रिमूव कर दी, मैग्नेटिक फील्ड ने, तो -3/2 -(-)/(+)3/2 नहीं आपको भाई, तो ये दो के दो क्या हो गए नॉन डिजेनरेट, और छः के छः क्या हो गए नॉन डिजेनरेट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए ना पूरे भाई। अब बताओ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पर आएंगी, ΔJ0 एंड ΔJ भाई, तो जाना आपने यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ जाते हुए स्पिन क्या रहेगी सेम, L क्या होगा बदल जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों किससे बने हैं 1s की फिलिंग से, ये 6 माइक्रोस्ट्रिप किससे बनी हुई है 2p की फिलिंग से भाई, तो क्या आएगा हमारे पास, तो ΔJ0 क्या आएगा, तो -(-) वाले से स्टार्ट करियो, -(-) में 0 जोड़ो कहाँ पहुँचेंगे, -(-) में 1 जोड़ियो +(+) और +(+) यहाँ क्या, अब -(-) में घटाओ, वो तो क्या है मेरे पास -(-) में घटाओ भाई, भाई -(-) में 1 जोड़ो तो कहाँ पहुँच गए हम, -(-) में 0 जोड़ो पहले, तो -(-) से -(-) और -(-) से -(-) ये भी हो गया भाई, -(-) से -(-) -(-) से -(-) अब -(-) में 1 जोड़ो +(+) तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, -(-) से +(+) और -(-) से +(+) चार होगी ना, अब बताओ इसमें घटाई हो भाई -3/2 नहीं आ गया आपको, तो क्या बताओ भाई, तो अरे भाई आप ये मुझको यहाँ से आ जाए भाई, यहाँ से यहाँ पर ΔJ2 क्या है +1 है, लेकिन दोनों किससे बने हुए हैं ये 1s की फिलिंग से, तो ΔL क्या है 0 जो फॉरबिडन है, बात आपको पहले पड़ गई भाई, तो 5 ही और 5 कहाँ से आ जाएंगे यहाँ से, कितने ट्रांस है मेरे पास 10, अरे भाई -(-) में क्या करो 0 जोड़ो 1 घटाओ और 1 जोड़ो 5 ट्रांजिशन, अब क्या करो +(+) से क्या बनो सिमिलरली ट्रांजिशन, क्या है हमारे पास 10 हो जाएंगे 5 हो जाएंगी हमारे पास के 10 ट्रांजिशन, अब समझ गए बात आप कि भाई क्यों मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही इन लेवल्स की 2s½ की 2p½ की और 2p³/2 की डिजेनरेसी कंप्लीटली क्या होती है रिमूव, यानी कि 2s टर्म सिंबल जो क्या है 2 माइक्रोस्ट्रिप वो पूरी तरह क्या हो जाएंगी अलग अलग, और 2p टर्म सिंबल जो क्या है 6 माइक्रोस्ट्रिप वो सारी क्या होंगे एनर्जी में सेपरेट, है ना आपको, इसीलिए बताओ क्या मिल जाएगा हमको। अच्छा एक बात और भाई, अब आपने ये देखना है कि इनमें ज्यादा कम स्प्लिट कौन होएगा, क्या भाई कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ड्यूरिंग ज़ीमन इफेक्ट ज्यादा या कम स्प्लिटिंग किसकी होगी, अरे बोलो भाई आप मुझे बताओ भाई, कोई ये बोल दे कोई आपसे पूछ ले बताओ इनमें ज्यादा स्प्लिटिंग बताओ किसकी होगी, अगर हमने क्या लगाया मैग्नेटिक फील्ड तो ये बताओ कि 2s½ ज्यादा स्प्लिट होगा कि 2p½ की 2p³/2, तो मैं आपको भाई इसमें स्प्लिटिंग के मैग्नीट्यूड को बताने वाला एक्सप्रेशन आपको बताता हूँ भाई, क्या अरे भाई मैं आपको साइलेंस भाई जो ये अरे भाई जो क्या होगी स्प्लिटिंग जो भी क्या होगी इनकी स्प्लिटिंग वो पता क्या आएगी, तो जो डेल्टा ई आएगी उसमें वो आएगी भाई बताओ μz और bz, जहाँ पर μz तो क्या है भाई μz तो क्या है बताओ भाई डाइपोल भाई μz तो क्या बताओ भाई अरे भाई μz क्या है हमारे पास डाइपोल ठीक है और अरे भाई एंगुलर मोमेंटम से हमारे पास क्या आता है अरे भाई क्या इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं होता क्या होएगा ना तो उसके पास बताओ भाई क्या है हमारे पास अरे बोलो भाई उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होएगा ठीक है और भैया आएगा ये स्प्लिटिंग होगी bz और इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी भाई -HEg/4πm·bz/j में बोलो भाई ये क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड से होने वाली बताओ क्या है भाई अरे भाई ये मैग्नेटिक फील्ड से होने वाली बताओ क्या है
बताओ अरे भाई अपने जी, ये बताओ अपने जी क्या है, बोलो भाई, स्प्लिटिंग फैक्टर। जी अपने क्या भाई, स्प्लिटिंग फैक्टर, इजंट इट। अरे बोलो भाई, यहां पर हमारे पास वो जी क्या है, ये स्प्लिटिंग फैक्टर। तो आप ये बताओ भाई, ओके, तो आप ये बताओ भाई कि ये हमारे पास हो तो क्या भाई, जी स्प्लिटिंग फैक्टर ना, तो इनके जितना ज्यादा क्या हुआ जी, उतनी ज्यादा तो क्या है हमारे पास, स्प्लिटिंग। तो अगर आपसे पूछ ले कि टू एस हाफ टू पी थ्री बाई टू और टू पी सॉरी टू एस हाफ टू पी हाफ और टू पी थ्री बाई टू में से ज्यादा कौन टूटेगा, टू एस हाफ टू पी हाफ और टू पी थ्री बाई टू में से ज्यादा कौन टूटे, बताओ भाई। आप इन्हें क्या मालूम कर लोगे जी, क्या भाई इनके आपने जी मालूम कर लेने हैं, और जी का आपको फॉर्मूला पता ना भाई, और जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थ्री बाई टू प्लस क्या होता है एस इन टू एस प्लस वन और माइनस एल इन टू एल प्लस वन, पढ़ा हो ना भाई, और टू जी इन टू जे प्लस वन, इजंट इट। ये बताओ क्या हमारे पास, तो थ्री बाई टू एस इन टू एस प्लस वन एल इन टू एल प्लस वन माइनस का और टू जे इन टू जे प्लस वन। यहां से आप भाई, तो क्या इस स्टेट के लिए आप जी निकाल सकते हो क्या, क्या भाई आप इस स्टेट का इस स्टेट का इस स्टेट का भाई जी निकाल सकते हो क्या, तो इन तीनों जी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे ना, तो जिसका जी क्या आएगा ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग क्या बताओ भाई ज्यादा होगी। और मैं आपको बताऊं इनके जी का पता रेशियो क्या है, बोलो भाई इनके जी का रेशियो बताओ क्या आएगा, सबसे ज्यादा जी आएगा बताओ किसका, टू एस हाफ इसका, इसका क्या जी इसका रेशियो ये आएगा तीन गुना आएगा, अगर इसका जी कितना आया एक, इसका कितना आएगा दो, नहीं आएगा आपको। अरे भाई क्या आप इनके जी कैलकुलेट भी कर सकते हो क्या, क्या टू एस इस फॉर्मूले के जरिए भाई आपको एल पता रहा है एस पता रहा है आपको जी पता रहा है, क्या आपको एल पता है यहां से एस पता है जे पता है, तो आप इनके भाई इन तीनों स्टेट्स के आप जी निकाल सकते हो क्या, तो इसका जी और इसका जी, इनके जो जी आए ना उनको जो मैंने क्या बनाया होल नंबर मल्टीपल, तो मुझे क्या मालूम पड़ा कि अगर इसका जी एक हो, इसका जी एक होगा नहीं, इसका जी वास्तव में क्या होगा, इसका जी वास्तव में क्या होएगा भाई, दो बटा तीन, क्या इसका जी क्या आएगा दो बटा तीन आएगा भाई, ठीक है। और ये जी बताओ क्या आएगा, ये आएगा दो, ये कितना आएगा ये दो बटा तीन, ये दो आएगा और ये एक से एक बटा तीन आएगा, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, लेकिन जब आप क्या बनाओगे इनका होल नंबर मल्टीपल भाई, ये दो बटा तीन को आप क्या मानो एक मानो, ये दो बटा तीन है तो ये दो है, जो एक है तो ये कितना है तीन है, कितना भाई ये दो बटा तीन है तो ये कितना है दो है, नहीं बताओ बोले बड़ी भाई इसका, हाँ ये दो बटा तीन है तो ये कितना है बताओ भाई कितना है, ये दो बटा तीन तो ये कितना है, अरे नहीं ये दो नीचे वाला सॉरी, अरे भाई इनके जी पता क्या आएंगे, इसका जी आएगा टू एस हाफ का दो आएगा एक्चुअल में, इसका जी बताओ क्या आएगा दो बटा तीन आएगा, इसका आएगा एक से एक बटा तीन, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, तो सबसे कम जी किसका है टू पी आपका, सबसे ज्यादा जी किसका है इसका, उससे कम जी किसका है बीच में जिसका है, तो काम करो बताओ क्या करूँ इनको, इनको क्या बना दो होल नंबर मल्टीपल, भाई आप क्या बनाओ इसको होल नंबर मल्टीपल, तो ये अगर एक हो जाएगा तो ये तीन हो जाएगा ये दो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, तो होल नंबर मल्टीपल करने पर ये क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास दो, ये एक और ये क्या हो जाएगा तीन, तुम क्या बोलेंगे, तो अगर जी का रेशियो क्या दो एक तीन, तो इसमें जो स्प्लिटिंग होगी इसमें क्या होगी इसकी दो गुना स्प्लिटिंग और यहां क्या होगी इसकी तीन गुना स्प्लिटिंग, नहीं आपको ऐसे, ओके ठीक है भाई, तो आपने देखा भाई क्या आप जब क्या लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड, जब आप क्या लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड तो स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ क्या हो जाएंगी स्प्लिट हो जाएंगे भाई, अरे बोलो भाई
अब मैं ये कहूँ कि अगर हमने बताओ, हमने बताओ यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता हमारा, एक हमारे पास क्या होता बताओ भाई, स्टार्क इफेक्ट। जैसे हमारे पास क्या था भाई, जैसे हमारे पास क्या था बताओ, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एक स्टार्क इफेक्ट। समझ गए बात, स्टार्क इफेक्ट बताओ क्या होता है। अरे बोलो भाई, स्टार्क इफेक्ट बताओ क्या होता है। ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टार्क इफेक्ट। यानी अगर आप क्या करते हो भाई, अगर आपने मान लिया एक ट्यूब में क्या भरी हुई है, एटॉमिक हाइड्रोजन, आप उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो लाइमन सीरीज की हर लाइन क्या होगी, एक डबल्ट होगी ना। अगर आपने क्या लगा दी, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीक क्या हो जाएगी मल्टीप्लेट में। अरे भाई पीक क्या हो जाएगी, लाइमन सीरीज की हर लाइन जो क्या थी डबलेट, वो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लेट। सिमिलरली भाई अगर आपने क्या लगा दिया इलेक्ट्रिक प्लेट्स, तो भी क्या बन जाए, तो भी क्या बन जाएगा, बोलो भाई, मल्टीप्लेट। लेकिन दिक्कत क्या होगी, लाइन्स यहाँ पर कम बनेगी, इसकी वजह बताओ क्या है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है, एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करेगा भाई, बताओ क्या क्या। तो मैं आपको बताऊं भाई कि किसी लेवल की एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बताओ कैसे दी जाएगी, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी, माइनस म्यू ई, जहां पर ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और म्यू क्या है इंड्यूस डाइपोल। तो हमने एक बात देखी भाई कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर स्टेट्स क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज। माइनस का मतलब क्या है कि स्टेट्स क्या होंगी, स्टेबलाइज, क्या होंगी भाई, स्टेबलाइज। नहीं बात आपको पले पड़ी, अरे बोलो भाई, जहां पर ई तो क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और म्यू क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, म्यू क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है बात। और मैं आपको आपको बताऊं भाई, अब क्योंकि म्यू भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ई के ऊपर। अब म्यू भी भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाइड फील्ड ज्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, ज्यादा। तो ये वास्तव में एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बोलो भाई, ई स्क्वेयर पे, किसे भाई, ई स्क्वेयर के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, इजंट इट। नहीं बात आपको पले पड़ी, अरे बोलो, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, ई स्क्वेयर के ऊपर। और भाई एक बात और मैं आपको बताऊं, साथ में ये जे जेड स्क्वेयर के ऊपर, सॉरी एम जे स्क्वेयर के ऊपर डिपेंड करेगी, किस भाई, एम जे स्क्वेयर के ऊपर। मतलब क्या है कि यानी कि भाई ज़ीमन इफेक्ट की तरह यहाँ पर स्प्लिटिंग सिमेट्रिकल ना हो। जैसे भाई ज़ीमन इफेक्ट में क्या था, अगर जे की वैल्यू हाफ है भाई, ज़ीमन इफेक्ट में क्या था, जे की वैल्यू 3/2 क्या है, 3/2, तो प्लस हाफ नीचे और माइनस हाफ, सॉरी माइनस हाफ नीचे, प्लस हाफ ऊपर पहुंच जाया करता ना भाई, तो माइनस हाफ और प्लस हाफ क्या हो जाए, सेपरेट जाया करते। लेकिन यहाँ बताओ क्या होगा भाई, सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है, एम जे स्क्वेयर एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन जो शिफ्ट आ गई एनर्जी में, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वेयर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन साथ में जो जे होता है, क्या होता है भाई, जे काउंट नंबर, उसके कंपोनेंट्स के भी स्क्वेयर पे, यानी जे की वैल्यू प्लस वन तो क्या हो, माइनस वन, एक सी क्या आएगी, शिफ्ट। तो यहाँ पर तो क्या होगा, प्लस वन माइनस वन क्या होंगे, एक एनर्जी के, हाँ प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएंगे, सॉरी प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएंगे, अगर जे केवल 3/2 है तो प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएंगे, एक एनर्जी के, और प्लस माइनस 3/2 क्या हो जाएंगे, एक एनर्जी के। नहीं आएगा आपको, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये बताओ क्या हो गया हमारे पास, अरे बोलो भाई, नहीं आना आपको ये, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। अच्छा एक होता है हाइपर फाइन लाइन, तो आप ये मानते हो कि एल एस कपलिंग के बाद, भाई आप तो ये मानते हो कि एल एस कपलिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ ज़ीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट क्या कर सकता है, स्प्लिटिंग कर सकता है सिग्नल की, इजंट इट। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, न्यूक्लियर स्पिन भी इसको अफेक्ट कर सकती है, क्या, अरे भाई न्यूक्लियर स्पिन भी इसको अफेक्ट कर सकती है। आप ये बताओ कि सिग्नल को डबलेट किसने बनाया था, एलएस कपलिंग ने, किसने भाई,
क्या एलएस कपलिंग ने सिग्नल को भाई डबल इटली बनाया था, और उसने बताओ क्या प्रोवाइड किया था, जे। अरे बोलो भाई, उसने बताओ भाई, तो हमारे पास तो जे से हमारे पास तो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले बताओ भाई, पहले जे के हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं, तो भाई 2j+1 क्या होते हैं भाई, प्लस जे से लेके माइनस जे हमारे पास क्या होते हैं, जे के कंपोनेंट्स नहीं होते क्या, प्लस जे टू माइनस जे, यानी कि कितने कितने कंपोनेंट भाई, 2j+1। जैसे हमारे पास क्या मान लिया, हमारे पास क्या है 2p 3/2 है, तो जे कितना है, 3/2 होगा, जे कितना होगा हमारे पास भाई 3/2, तो यहाँ पर पुट करियो 3/2, चार आए ना, कौन कौन से, प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2, इजंट इट। बोलो भाई, तो जिसे एल एस कपलिंग से क्या आता है, जे आता है। बोलो भाई, तो ये जे फर्दर क्या कर सकता है, बताओ भाई, तो ये जे के जो कंपोनेंट हैं इनको सेपरेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जे इंटरेक्ट कर सकता है न्यूक्लियर स्पिन से भी, किसे भाई, जो नेबरिंग क्या होती है, न्यूक्लियर स्पिन, इजंट इट। कैसे बताओ भाई, मान लिया आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, आई क्या हमारे पास, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है बात। तो बताओ इसके कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, बोलो भाई, तो हमको पता है कितना न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा हमारे पास, बताओ, आई इंटू आई प्लस वन का रूट एच अपॉन 2π। अरे जैसे हमारे पास हर एक तरह का एंगुलर, हमारे पास हर एक तरह का एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है, बताओ, एस इंटू एस प्लस वन आपसे क्या आता है, एस इंटू एस प्लस वन का रूट क्या आ गया, एच अपॉन 2π में स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एल इंटू एल प्लस वन का रूट क्या आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जे इंटू जे प्लस वन वाला क्या आ गया, रोटेशनल, अगर भाई रोटेशनल स्पेक्टर है, और भाई क्या आ गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम, अगर क्या हमारे पास, बोलो भाई, नहीं आ गया प्रश्नों में, तो सिमिलरली अगर न्यूक्लियर स्पिन क्या किसी की उस एटम में, अगर एटम की, अगर एटम की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, आई, क्या भाई, आई, तो आई से कितना एंगुलर मोमेंटम बनेगा, कैपिटल आई, आई प्लस, अरे भाई आई प्लस हाफ आई रूट आई एच अपॉन 2π। मान मान लिया किसी की स्पिन क्या है, हाफ है, तो हाफ प्लस वन, बोलो भाई 3/2 इंटू ये, तो ये क्या आएगा 0.86, क्या आएगा 0.86, तो आई क्या आएगा प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो भाई बताओ आई के भी हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं, तो कैपिटल जे क्या मान लीजिए, क्या हमारे पास, और भाई बोलो भाई ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये जे से आएगा। अरे बोलो भाई, तो कैपिटल आई कैसे आएगा, कैपिटल आई बताओ भाई, कैपिटल आई के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2i+1 भाई, जे बराबर है एक हो तो कितने कंपोनेंट होंगे, तीन होंगे ना, प्लस वन जीरो माइनस वन, तो सिमिलरली अगर न्यूक्लियर स्पिन क्या हुआ वन, तो उसके भी क्या होंगे, तीन कंपोनेंट। अगर जे मान लिया क्या है एक, अगर जे कितना है एक, तो तीन कंपोनेंट है, और आई कितना बताओ भाई, आई कितना है हाफ, तो आई क्या होगी हमारे पास, दो कंपोनेंट कौन कौन से, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो जैसे 2j+1 क्या होते हैं, जे कंपोनेंट्स, और 2i+1 क्या होते हैं, आई कंपोनेंट्स। तो भाई ये जो टोटल मोशन क्वांटम बना, तो जे और आई, तो जे और आई भी आपस में बताओ क्या कर सकते हैं भाई, इंटरेक्ट, नहीं आएगा आपको। अरे जैसे आपका जे कैसे आया था, जे कैसे आया था, एल प्लस एस से लेके क्या था आपके पास, एल माइनस नहीं आया था क्या, क्या ही थे हमारे पास, ये जे कंपोनेंट्स, समझ गए बात। तो वैसे एक बार आपका जे आ गया, अरे बोलो भैया आपके पास एक बार तो क्या आ गया, जे आ गया, तो फिर क्या होगा, तो एक होगा यहाँ पर एफ कंपोनेंट, क्यों भाई एफ क्वांटम नंबर, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन मोशन और टोटल इलेक्ट्रॉनिक मोशन का भी क्या होगा, रिजल्टेंट। ये बताओ कैसे है हमारे पास, बोलो भाई बताओ, आई प्लस जे से बताओ क्या, आई माइनस जे तक, आई प्लस जे से आई माइनस
जे तक भाई, और कितने कंपोनेंट आएंगे, 2j+1 और 2i+1, जो इनमें से कम हो, जो इनमें से क्या होगा भाई, कम होएगा। नहीं आपको बताओ भाई, मान लिया क्या, अरे तो j की वैल्यू, j कंपोनेंट, j कैसा था, l+s से लेकर l में था ऐसा ना, तो आपको j क्वांटम पता है और आपको i क्वांटम नंबर पता है, तो आप f क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। नहीं आप उसमें, तो आपको ये i क्वांटम नंबर कैसे है हमारे पास, बोलो मैं, हमारे पास भाई i ये आएगा i+j से लेके i-j तक, ठीक है। तो बताओ भाई, तो यहाँ पर 2j+1 या क्या हमारे पास भेजेंगे, 2i+1 कंपोनेंट, जो इनमें से क्या होगा, कम होएगा। समझ, अरे भाई f कंपोनेंट मेरे पास क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे टैकल करोगे भाई, बताओ अगर मैं ये कहूँ कि बताओ, मान लिया किसी स्टेट का बताओ j कितना है, बोलो भाई किसी स्टेट का तो j कितना, मान लिया मैं कहता हूँ 2p½ है, 2p तो जे 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 कितना है, इसका हाफ है ना भाई कि नहीं है, नहीं 2p³/2 मानो आप, और ये मानो उस एटम की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, उस एटम की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, हाफ है, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो आप तो क्या मानते हो कि 2p³/2 एक सिंगल लेवल, आप तो ये मानते हो गे? नहीं समझे बात, लेकिन ये 2p³/2 लेवल किस से इंटरेक्ट कर सकता है, इस 2p³/2 लेवल का जे किस से इंटरेक्ट कर सकता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से, बताओ कैसे, कैसे भाई, बोलो भाई हम क्या बोलेंगे, i कितना है ये और j कितना है, 3/2, तुम क्या बोलेंगे, तो 1/2+3/2 एंड 1 -2 2 3/2। नहीं आपको समझ, अरे भाई वह सिंपल सी बात है, तो 1/2 और 3/2 तो क्या है मेरे पास, 5/2, 1/2 3/2 क्या मेरे पास, ये 5/2 आ गया ना, क्या गया, ओ सॉरी 4/2 आ गया, वो तो क्या हमारे पास 2, और ये तो क्या मेरे पास ये, और इनका 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 डिफरेंस क्या है हमारे पास, 1 आएगा, क्या आएगा, तो हमारे पास भाई क्या, हमारे पास फर्दर क्या आ गया, क्या हमारे पास भाई f क्वांटम नंबर नहीं है क्या, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, तो ये लेवल फर्दर क्या हो सकता, बताओ भाई, स्प्लिट, इजंट इट, अरे बोलो भाई, अरे सिंपल बात है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ बताओ हमारे पास f की हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है ना, तो अगर मैं 2j+1 में क्या पुट करता हूँ, i हाफ, तो क्या है, 2 आ रहा है ना, तो 2 ही क्या बने लेवल, और कम 2 हमारे पास लेवल कितने बने, f की 2 वैल्यू आई है, तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 लेवल्स, क्या बने हमारे पास, 2 लेवल्स, तो 2 कंपोनेंट किसमें थे, j के 2 कंपोनेंट थे कि i के 2 कंपोनेंट थे, i के, अब समझिए बात, यानी i और j में जिसके क्या होंगे, कम कंपोनेंट होंगे ना, उतने ही क्या बन जाएंगे, लेवल्स, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।